switch. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आपके चैनल ईगल टेक में। दोस्तों, सब लोग जो कैमरे के सामने बातें करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी जब वीडियो बनाता हूं कैमरे के सामने बातें करता हूं, तो हम लोगों को ना फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब हम लोग सब चीज़ नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों को हमेशा लगता है कि यार ये मैंने कैमरे के सामने क्या बोल दिया, या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये मैंने क्या कह दिया। तो इससे क्या होता है कि हम आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं उसका 100% तक पहुंच नहीं पाता। हमारे अंदर में जो भी फीलिंग छुपा हुआ है, अगर हम वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ना, तो इतना फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हुए हम कभी शेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपसे थोड़ा और भी खुल के बातें करूंगा, और भी थोड़ा फ्रैंक हो जाऊंगा, उतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं होऊंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी बातें या फिर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप तक पूरा ही पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा ना एक वीक पॉइंट है हिंदी स्पीकिंग। मैं बंगाल से हूं, और अगर आप कभी भी एक टिपिकल बंगाली से हिंदी में बातें करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि एक टिपिकल बंगाली का हिंदी में बातें करने का स्टाइल ही कुछ और है। मतलब वो लोग बहुत सारे हिंदी टर्म को ना बंगाली टोन में ही बोल देते हैं। जैसे एक टिपिकल बंगाली मेरा चैनल का इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे कि नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे और आपके चैनल ईगल टेक में। वो लोग ईगल टेक नहीं कहेंगे, वो लोग ईगल टेक कह देंगे। और बीच बीच में ना मैं भी ऐसे ही बोल देता हूँ, और ऐसा हिंदी ना सुन के भी और बोलने में भी बहुत मजा आता है। तो मैं ये सोचा हूँ कि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बीच बीच में ना मैं भी ऐसा हिंदी बीच बीच में बोलेगा अपने वीडियो में। तो इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो और थोड़ा फनी हो जाएगा और थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो से तो सीखते ही हैं कुछ ना कुछ, तो इससे तो आगे आप जब भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में कुछ सीखने के साथ साथ आपको मजा भी आएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक खास एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो अकेला ही 30 एप्लीकेशन के बराबर है। और दोस्तों, सबसे मजेदार चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस एप्लीकेशन में लगी वो है कि ये एप्लीकेशन ना इतू सा है। इतू सा यानी कि इस एप्लीकेशन का साइज 5 MB से भी कम है। तो आप एक 5 MB से भी कम एप्लीकेशन को अगर अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं, तो उससे आपका 30 एप्लीकेशन का काम ये अकेला ही कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फोन मेमोरी सेव होगा, आपका फोन का बैटरी भी बचेगा, और आपका फोन स्लो भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से एंड्रॉइड यूजर को देखा हूं जो अपने छोटे छोटे काम के लिए भी एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं। जैसे डिक्शनरी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, फिर फ्लैशलाइट हो गया, फिर MP3 कार्टर बोलिए, वीडियो एडिटर है, बैटरी सेवर, पता नहीं क्या क्या, ये सब अपने फोन पे इंस्टॉल करके रखते हैं। इससे आपका फोन का मेमोरी वेस्ट होता है, फिर आपका फोन का बैटरी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इससे आपको फोन को बार बार में चार्जिंग में डालना पड़ता है। फिर आप जितना ज़्यादा एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डालोगे, उतना ज़्यादा ही प्रेशर आपके फ़ोन के प्रोसेसर में पड़ेगा, और इससे क्या होता है, आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। और मुझे लगता है कि हर एक एंड्रॉइड यूज़र को ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन पे इसको यूज़ करते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा कि आप इस एप्लीकेशन में जाकर ही डिक्शनरी, कैलकुलेटर, फ्लैशलाइट, वीडियो एडिटर, बारकोड स्कैनर, रैम क्लीनर, बैटरी सेवर, ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन में जाकर। दोस्तों, मैं आपका और ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसे आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसे आप किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट किट। दोस्तों, ये किटबैग की तरह ही है। एक किटबैग में जैसे आप अपने हर ज़रूरी सामान को रखते हैं, ताकि आपको जब भी वो ज़रूरत हो आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत वहीं से मिल जाए। तो इस एप्लीकेशन का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 30 से ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कि एक स्मार्टफोन पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन में जाना है, और जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टास्क को आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फ्लैशलाइट, डिक्शनरी, बारकोड स्कैनर, फिर रैम क्लीनर, बैटरी सेवर, MP3 कटर, कैलकुलेटर, ऐसे बहुत से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इस एप्लीकेशन के अंदर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। ना तो इसके लिए आपको ज़्यादा MB का डाटा खर्च करना पड़ेगा, और ना ही आपको उन एप्लीकेशन को ढूंढने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको अपने फ़ोन पे जाके दिखा देता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको स्मार्ट किट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर, और सर्च बॉक्स पे सर्च करना है स्मार्ट किट, और सबसे पहला जो एप्लीकेशन आएगा उसी को आपका इंस्टॉल कर लेना है। आप इसका आइकॉन ध्यान से देखिए, इसका आइकॉन एक किटबैग की तरह है। अब इसका आइकॉन ध्यान में रखना, क्योंकि ताकि आप दूसरा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर लें। इसका पूरा नाम है स्मार्ट किट 360। और दोस्तों, इसका आप रेटिंग चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे 4.6, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, और ये 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका साइज जो है बहुत छोटा है। आप जब भी इसे ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस बहुत खास है, बहुत खास है मतलब कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन मिल जाएंगे इसके अंदर ही,
जैसे कैलकुलेटर, डिक्शनरी, MP3 कार्डर, फाइल मैनेजर। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस उस पर क्लिक करना है और आप तभी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। आप यहाँ देख सकते कि टोटल 32 एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जब भी जो चाहे उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट किट पर आइए और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अब यूज कर सकते हैं। जो भी एक स्मार्टफोन पे होना चाहिए, मतलब जो भी हर लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस एप्लीकेशन का लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे फ्लैश लाइट हो गया, डिक्शनरी हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, MP3 कार्डर हो गया, फिर कैमरा, बैटरी सेवर, रैम क्लीनर, फिर कैलकुलेटर, उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 4-5 एप्लीकेशन यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था ट्रांसलेटर, कि आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके बाद इस सेक्शन पे आपको सिलेक्ट करना है कि जिस लैंग्वेज में आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसमें मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश टू हिंदी क्या हुआ, तो आपको नीचे बस टाइप करना है आप जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो या फिर जो भी चीज़ आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर करता हूँ कि हाउ आर यू, मैं इंग्लिश टू हिंदी कर रहा हूँ, तो हाउ आर यू जैसे ही मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं हिंदी में इसका परिणाम आ गया है, क्या हाल है। तो हाउ आर यू का मतलब क्या हाल है ये सब सबको पता है। उसके बाद एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि व्हाट्स योर नेम, जब मैं भी करूँगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका नाम क्या है, ये आ गया। ये बहुत अच्छा है, ये एक्यूरेटली काम भी करता है। उसके पास में आप देख सकते हैं डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी की सबसे खास बात यह है कि ये कोई भी दो पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज का मीनिंग आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज का मीनिंग आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म में जाके आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, फिर टारगेट लैंग्वेज में जाके कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। मैं इंग्लिश टू हिंदी किया हुआ है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मैं अगर सर्च करता हूँ मैन इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं आ गया मैन यानी कि मनुष्य। उसके बाद और एक चीज़ जो एप्लीकेशन मुझे बहुत खास लगा वो है कटर। ये एक MP3 कटर और वीडियो कटर है। आप प्ले स्टोर में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको मिल जाता है MP3 कटर के लिए, रिंगटोन मेकर के लिए, लेकिन उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, फिर कोई भी गाना को आप उठा सकते हैं, डायरेक्टली उसे एडिट कीजिए, आप उस गाने को काट करके रिंगटोन बना सकते हैं। कोई भी चीज़ कहाँ कहीं से भी आपको चाहिए, आप बस उसे सिलेक्ट कीजिए, फिर नीचे में आपको काट का ऑप्शन दिखेगा, काट कीजिए, फिर सेव कीजिए, वो आपका गाना तैयार होकर सेव हो जाएगा। फिर नीचे में जो रिंगटोन से सेक्शन है वहाँ पर जाके आप जिसे काट किए हैं उसे देख सकते हैं। फिर ऊपर में एक वीडियो का आइकॉन है, वहाँ पर जाकर भी आप कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करके ठीक इसी तरह जैसे मैंने अभी किया इस तरह उसे आप काट करके एडिट कर सकते हैं, फिर अपने फ़ोन मेमोरी में या फिर अपने फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ट्रिमिंग योर वीडियो कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वीडियो है, एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा, जैसे फाइल मैनेजर है, फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट आप चला के देख सकते हैं, इसके लिए कोई भी आपको दूसरा एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं होगा। फिर यहाँ पर बैटरी सेवर है, रैम क्लीनर है, रैम क्लीनर लोग क्यों यूज़ करते हैं मुझे अभी पता नहीं चलता। फिर बैटरी सेवर है, इसे आप ऑन कर सकते हैं। स्टॉप वॉच है, चेक लिस्ट है, नीचे में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, कुछ भी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे पर और एक सेक्शन है जहाँ पर 12 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। को बहुत सारा जैसे कि प्रोटेक्टर हो गया, रूलर हो गया, कॉम्पास आ गया, हार्ट रेट आ गया, ये हार्ट आरएम क्लिक करके आपका जो करंट हार्ट रेट है, बीट रेट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। नीचे में कैमरे पर बस आपको हाथ रखना है, फिर वो कुछ बीप बीप करेगा, फिर ये जो राउंड आप देख सकते हैं रेड रेड हो रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि आपका एक मिनट का हार्ट कितना बार बीट करता है। जैसे मैं यहाँ पे 72 है, बहुत अच्छा, 72 नॉर्मली होता है रहता है। तो आप बस इस छोटा सा एप्लीकेशन को आपके फ़ोन पे रख लीजिए ना, तो आपको और जब जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी आपको यहीं से मिल जाएगी, बेसिक चीज़ें, ना तो उसको आपको ढूंढने की ज़रूरत है, ना ही उसके लिए आपको फ़ोन मेमोरी पोस्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये स्मार्ट किट एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो अपने स्मार्टफोन को और भी स्मार्ट बनाने के लिए इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला एप्लीकेशन को आपको एक ना एक बार अपने फोन पर जरूर इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में मेरा काम यही खत्म होता है, लेकिन दोस्तों आपका काम अभी भी थोड़ा बाकी है। आपको इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करना है, और अगर आपने अभी तक ईगोल टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, अभी जाके आप उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे ईगोल टेक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बात के लिए कोई भी काम छोड़ के नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।